मुख्तार अंसारी व उसके परिवार पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, चाहे वे मानवेंद्र गांव के मंगाही नदी पर पुल निर्माण को लेकर हो या फिर अंधौ या फिर फतेहल्लापुर के 5 बीघा जमीन को लेकर या अवैध लाइसेंस को लेकर लगातार प्रशासन की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में लाल दरवाजा स्थित पचरस्ता स्थित एक कॉम्प्लेक्स निर्माण की जब अनियमितता को लेकर जाँच की गयी तो निर्माण कार्य मुख्तार अंसारी की पत्नी असफा अंसारी द्वारा कराया जा रहा था, जो जाँच में अवैध पाया गया। प्रशासन ने नोटिस जारी कर सूचित किया कि एक हफ्ते में या तो अवैध कार्य ध्वस्त कर ले या फिर नगर पालिका द्वारा गिराया जाएगा। गिराने का जो खर्च आएगा उसे राजस्व विभाग द्वारा वसूल लिया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद ही बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने जिला प्रशासन के बुलडोजर से भयभीत होकर लाल दरवाजा पचरास्ता के पास किए गए अवैध निर्माण को स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया। प्रमोद कुमार, गाजीपुर, समाचार 24। सर, शासन के निर्देश पे अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दो माफियाओं के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो निश्चित तौर से देखा जाए तो लगातार उन पर भी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई सर और आगे क्या होना है सर? देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ही माफियाओं के नकेल कसने के लिए नियमतः कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पहले हमने अंधौ में कार्रवाई की थी, इसके बाद हमने फतेहुल्लापुर में कार्रवाई की थी, इसके बाद हमने नकल माफिया पे कार्रवाई की थी और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी एक मामला संज्ञान में आया था जो गाजीपुर शहर के बीचों बीच स्थित लाल दरवाजा में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था और ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण जाँच में पाया गया कि अप्रूव्ड नक्शे के विरुद्ध किया गया था और इसमें सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है और ध्वस्त करने के लिए ये मकान मोहल्ला लाल दरवाजा गाजीपुर में श्रीमती अफशा अंसारी पत्नी श्री मुख्तार अंसारी के नाम से था और ये आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है और इनको 7 दिन का समय दिया गया है। यदि इनके द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मकान को ध्वस्त कर देगा जो अवैध रूप से निर्मित हुआ है और इसको ध्वस्त करने में जो खर्च आएगा उसे भी भू राजस्व की तरीके से इनसे वसूला जाएगा। मौजूदा समय में सर क्या ध्वस्तीकरण चल रहा है?